जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैल्शियम डोसेट 500 mg कैप्सूल के बारे में। हम जानेंगे इसकी यूजेज, डोजेस एंड साइड इफेक्ट और भी सारी चीज़ें। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कैल्शियम डोसेट क्या होता है। कैल्शियम डोसेट एक वैसो प्रोटेक्टिव क्लास की दवा है, यानी कि वैसो प्रोटेक्टिव मतलब हो गया कि वेसल्स, वैसो मतलब वेसल्स, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करना, यानी कि वेसल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है, वेसल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है तो ब्लड फ्लो से होने वाली, नहीं ब्लड फ्लो की वजह से होने वाली जितनी भी सारी प्रॉब्लम बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों में इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके यूजेस क्या होते हैं। इसके दो मेन यूज होते हैं। सबसे पहले तो हमारा हो गया वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में क्या होता है, नसें लटकने लगती हैं, ब्लड फ्लो बिगड़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। साइड में दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं, इससे जिग जैक हो जाता है, बहुत भद्दा लगता है दिखने में, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं पहला। और दूसरा जो हो गया हमारा पाइल्स, यानी कि हीमोरॉइड्स से, हीमोरॉइड्स के कंडीशन में भी दे सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। ये तो हो गया इसके यूजेस, जो कि दो मेन मेन यूजेस हैं। अब बात कर ले रहे हैं इसके डोजेस की। तो एडल्ट डोज की बात की जाए तो 500 mg से लेकर 1000 mg, यानी कि 500 mg से लेकर 1000 mg दिन में दो बार दे सकते हैं खाना खाने के बाद से, यानी कि आफ्टर मील। तो हो गया डोजेस। अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो साइड इफेक्ट इसका कुछ देखने को नहीं मिलता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी किसी पेशेंट में देखने को कभी कभार मिल जाता है, वो भी नॉर्मल सर डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग एट्सेट्रा, इस टाइप का कुछ है। तो ये बहुत कॉमन है, एक आध दो दिन में सही भी हो जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं बट इसमें गायनेकोलॉजिस्ट की सजेशन से आप ले सकते हैं, थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल एच क्लास से बिलोंग करती है। ये तो होंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। हाँ, और आप एल्कोहल, अगर आपने एल्कोहल ली है यानी शराब पी रखी है तो इस दवा को नहीं लेना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर आपको पाइल्स की शिकायत है, अगर पाइल्स में इस दवा का यूज़ कर रहे हैं तो मिर्च मसाले, तला भुना, मतलब फैटी चीज़ें नहीं खानी है आपको, फाइबर वाली चीज़ें खानी है, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर तला भुना खाएंगे तो डाइट से बात है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, सही नहीं होगी। तो ये रही इसके कुछ कॉमन जानकारी। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। जय हिंद।